जब यहाँ नॉमिनेशन मैंने फाइल किए तो उस वक्त किसी ने ये इतराज़ उठाया था कि भाई कुछ मुकदमात हैं जो जाहिर नहीं हुए, तो ये खुफिया मुकदमात थे जो अचानक जाहिर हो गए। बहरहाल अदलिया के एहतराम का तकाजा है कि हम अदालतों को फेस करें और मैं यहाँ पर हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि ये मुकदमा चलने चाहिए और जल्दी ख़त्म होने चाहिए और इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। और एक मुकदमा तो 1987 का है, जब मैं हाउस जॉब कर रहा था और बल्दियाती इंतखाबात हुए थे और उसके बाद मैं मेयर कराची के इंतखाब में कामयाब हुआ, मैं मेयर कराची बना था, आप खेल में है। तो इतने पुराने मुकदमात भी अब तक अगर हैं तो अब इन्हें चलना चाहिए और मंतवी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। एक तो मेरी ये बात है। आरिफ अलवी साहब कल कामयाब हुए हैं, पीटीआई के नामजद करदा उम्मीदवार थे, एमकेएम पाकिस्तान पीटीआई की हलीफ है। मैं आरिफ अलवी साहब को, जिनका ताल्लुक कराची से है, जो यहाँ मेरे सामने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, मैंने उनके सामने इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए, मुझे हराया गया। मैंने कहा वो जीत गए और मुझे हराया गया। बहरहाल मुझे खुशी है कि वो 13वें पाकिस्तान के 13वें सदर मुंतखब हुए, उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनसे ये उम्मीद करता हूँ कि वो रियासत और हुकूमत के दरमियान जहाँ तवाज़ुन की ज़रूरत है, ताल्लुकात बेहतर रहने चाहिए, उसके लिए अपना किरदार अदा करेंगे।